देश भर में युवतियों के साथ दुष्कर्म को लेकर जमशेदपुर में जिला पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पिंक पेट्रोलिंग की शुरुआत की है। इस मौके पर एसएसपी अनूप बिरथरे ने पिंक पेट्रोलिंग गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जमशेदपुर पिंक पेट्रोलिंग शुरू करने वाला झारखंड का दूसरा जिला बन गया है। इस मौके पर एसएसपी ने कहा कि पिंक पेट्रोलिंग की शुरुआत एक अच्छी पहल है और इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहेंगी। नई शुरुआत की गई है जमशेदपुर शहर में। हम लोगों ने पिंक पेट्रोलिंग वाहन की शुरुआत की है। ये पिंक पेट्रोल वाहन जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स कॉलेजेस हैं, उनकी सुरक्षा के लिए रहेगी। शहर में जितने भी छात्राओं के, महिलाओं के जो कॉलेजेस हैं, लड़कियों के, उनके आसपास में लगातार ये पेट्रोलिंग करेगी। वहाँ पर ईव टीजिंग की अगर कोई शिकायत आती है, छेड़खानी का कोई मामला आता है, या किसी छात्रा का पीछा किए जाने का मामला आता है, या अन्य किसी तरीके के गलत कमेंट किए जाने का मामला आता है, तो उसमें ये व्यक्त करेंगे। इनके पास में एक मोबाइल नंबर हम लोग दिए हैं, वो मोबाइल नंबर गाड़ी के ऊपर में लिखा हुआ है। उस मोबाइल पर एनी टाइम कोई भी महिला या कोई भी गर्ल उसमें बुला सकते हैं उनको अपनी मदद के लिए। 100 डायल से भी ये पिंक पेट्रोलिंग जुड़ी हुई है। अगर 100 डायल पर कोई शिकायत आएगी तो उस पर भी ये रिएक्ट करेंगे। गौरतलब है कि झारखंड राज्य की राजधानी रांची और जमशेदपुर जिले में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शक्ति ऐप काम कर रहा है। वहीं आज से जमशेदपुर में पिंक पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई है। 2 दर्जन जवानों और अधिकारियों की टीम वायरलेस सिस्टम से लैस रहेगी। इसके साथ ही घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं से लेकर छेड़खानी की शिकायत करने वाली स्कूली या कॉलेज की छात्राओं को इन वाहनों से मदद मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।